नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि LG की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में अगर IE एरर या इवन कोई भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर IE एरर आता है तो उसको आप घर बैठे ही किस तरह बड़ी आसानी से आप उसे खुद ही सही कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन एरर है। IE का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इनलेट एरर, ठीक है। तो इनलेट यानी कि मशीन को पानी नहीं मिल रहा है। अब पानी ना मिलने की क्या क्या वजह हो सकती है वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं और आपको इस एरर को हटा के भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, और हाँ घंटी जरूर दबाइएगा नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई वॉशिंग मशीन परचेज करनी है तो उसके भी अमेजोन के लिंक्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों LG की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। कोई भी एरर हो, कोई भी इंस्टॉलेशन से संबंधित दिक्कत हो या डेमो हो तो इस सबसे संबंधित सारे वीडियोज मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि IE एरर को आप किस तरह हटाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि IE एरर जो है वो इनलेट एरर है, तो सबसे पहले मशीन को पानी नहीं मिल रहा। सबसे पहला रीजन पानी ना मिलने का ये हो सकता है कि आपका जो नल है वो खुला ना हो। अगर आपने नल खोल रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या नल हर वक्त खुला रहना चाहिए? जब आप मशीन को ऑन करें तब से नल खुला रहना चाहिए, और जब आप मशीन को ऑफ कर दें, आपका कपड़े जब धुल जाएं तब तक वो नल ऑन रहना चाहिए, उसके बाद आप उसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन जब तक काम कर रही तब तक वो नल खुला रहना चाहिए। मशीन के अंदर एक इनलेट वॉल्व होता है जो कि ऑटोमेटिकली पानी के फ्लो को और कब पानी को खोलना है और कब पानी को बंद करना है वो खुद ही कंट्रोल करता है। वहाँ वाला नल आपका हमेशा खुला होना चाहिए। तो अगर वो नल खुला है तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके वाटर टैंक में यानी कि छत के ऊपर जो आपके वाटर टैंक है उसमें पानी या तो ना हो या बहुत कम हो, ठीक है। वॉशिंग मशीन को हमेशा वाटर टैंक वाले नल से हमेशा जोड़ा जाता है, तो आप अपने टैंक का पानी भी चेक करिए। ये हो गया आपका दूसरा रीज़न, ठीक है। और उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी होना भी चाहिए। बहुत कम पानी से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि इस मशीन को थोड़ा प्रेशर भी चाहिए होता है पानी का, ठीक है, जो कि छत पर रखे हुए टैंक से जो नॉर्मल प्रेशर में पानी आता है वो काफ़ी होता है। अब इसके बाद भी अगर IE एरर आपका आ रहा है तो ये जहाँ पे मशीन, जहाँ पे पीछे जहाँ पे इनलेट वॉल लगता है, जहाँ पे मैंने आपको इंस्टॉलेशन करते वक्त दिखाया था, यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी इस जगह पर एक जाली लगी रहती है। ये देख रहे हैं, ये इनलेट वॉल मेरे पास एक दूसरा पीस है, मैंने निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस तरह की दोस्तों यहाँ पे एक जाली रहती है, ठीक है। इस जाली पे अक्सर काई जम जाती है। इसको जो है आप इस तरह बाहर निकाल लेंगे और देख सकते हैं इसमें काफ़ी कचड़ा लगा हुआ है। इसको जो है दांत वाले ब्रश से, ये जाली है एक बहुत महीन सी, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बहुत बारीक बारीक होल हैं, अक्सर इनमें कचड़ा लग जाता है। तो आप पुराने दांत वाले ब्रश से और पानी से इस कचड़े को आप साफ़ कर दीजिए और बस उसके बाद आप देख सकते हैं अंदर डायरेक्ट वॉल्व है। ये जाली इसीलिए लगी रहती है कि आपके नल में अगर कोई कचड़ा आ जाए तो वो आपके मशीन के इनलेट वॉल्व में जाके इस इनलेट वॉल्व को ख़राब ना कर दे, ठीक है। अभी इसे कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि आखिरी रीज़न IE एरर का यही होता है कि आपका इनलेट वॉल्व ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो पहला रीज़न मैंने बता दिया कि नल खुला है कि नहीं ये आप चेक करेंगे। दूसरा रीज़न, आप टैंक में पानी है कि नहीं ये चेक करेंगे। तीसरा रीज़न, ये जाली को साफ़ कर देंगे, ठीक है। अगर ये जाली साफ़ है तो पानी आपका अंदर जाने लगेगा। अक्सर यहाँ पे काई वगैरह जम जाती है जिस वजह से मशीन को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता और IE एरर शो होने लगता है। तो अब ये सारे एरर अगर बाहर बाहर से आपने ये तीनों चीज़ें देख ली हैं तो अब फिर चौथा और आखिरी रीज़न यही है कि आपका इनलेट वॉल्व जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ये आपको मार्केट में वॉशिंग मशीन की दुकानों पर मिल सकता है। ये इनलेट वॉल्व है आपका, देख सकते हैं इस तरह का, यहाँ पे पावर लगती है और इसमें जो है ये वाइब्रेट करता है और ये यहाँ पे मशीन के अंदर ये किस तरह रिप्लेस होता है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इनलेट वॉल्व रिमूव करूँ, सबसे पहले पावर को दोस्तों बंद कर देंगे, और पावर को बंद करने के बाद दोस्तों ये प्लग को आप निकाल देंगे, ठीक है, ताकि कोई शॉक वगैरह का आपको डर ना रहे। इसके बाद आपको ये टॉप का कवर हटाना है। इसे कैसे हटाना है, इसमें पीछे दो स्क्रूज लगे रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू है और एक स्क्रू इस जगह पर है। मेरे पास एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है, स्टार टाइप का स्क्रू होता है, मैं भी आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का इसमें ये स्क्रू है, ठीक है, इसे मैंने खोल दिया है। अब मैं दूसरे वाले स्क्रू को भी खोलूँगा और इस इनलेट पाइप को भी दोस्तों निकालेंगे,
अगर आपको वाटर इनलेट वॉल्व जो है वो चेंज करना है तो इस पाइप को भी दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो इस पाइप को निकालेंगे तो थोड़ा सा पानी स्पिल करेगा, यानी थोड़ा सा पानी यहाँ बहेगा। क्यों? जो पाइप में इकट्ठा है पानी वो यहाँ से निकलेगा, तो उतने पानी से मशीन का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो हम लोग इसे खोलते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों यहीं पर ये जाली लगी रहती है। यही पोर्शन आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। ये दूसरा वॉल्व है, मैं इसे रिप्लेस करूंगा। और यहाँ पर दो स्क्रूज हैं दोस्तों, इसको हम लोगों को बाद में खोलना पड़ेगा, इन दोनों स्क्रूज को, जिससे वाटर इनलेट वॉल्व लगा हुआ है। सबसे पहले कवर, हमने पीछे के स्क्रूज हटा दिए कवर के, तो अब मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे के दोनों स्क्रूज हटा दिए। अब इसको हम लोग पीछे की तरफ धक्का देंगे यहाँ पर कुछ। देखिए, एक उंगली से धक्का दे रहा हूँ मैं, और यह देखिए धक्का दिया। धक्का देने के बाद इसको सिंपली ऊपर उठा लेना है, ऊपर की तरफ, ये देखिए। और इसको कहीं सुरक्षित किनारे एक तरफ रख देना है। देख सकते हैं दोस्तों ये लगा है वाटर इनलेट वॉल्व। पावर आपकी हटी होनी चाहिए, पावर प्लग हटा होना चाहिए, ताकि आपको शॉक वगैरह का ज़रा सा भी डर ना रहे। अब मैं ऐसे और पास से दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पावर इनलेट वॉल्व। पीछे के जो दो स्क्रूज मैंने और बताए थे जो इनलेट वॉल्व को जो होल्ड किए हुए हैं, उनको आप खोलेंगे, ये कनेक्शन हटा देंगे, ठीक है। इस तरह इन कनेक्शंस को हटा देंगे। अगर आपका ये वॉल्व ख़राब है, अगर आपके बाकी नल आपका खुला है, टैंक में पानी है और आपने जाली इसकी साफ़ कर दी है और उसके बाद भी आई एरर आ रहा है, तो आपको ये वॉल्व ही चेंज करना है। इस तरह इस क्लिप को दोस्तों हम लोग पीछे कर देंगे, और इधर भी एक क्लिप लगी हुई है। आपके पास एक प्लास होना चाहिए। बस अब हम लोग इसे, रबड़ का पाइप है, यूँ ऐसे घुमा घुमा के देखिए बाहर की तरफ खींच लेंगे। देखते रहिए, देख सकते हैं दोस्तों। और इधर वाले को भी यही काम करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे पहले। देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया, सेम यही पीस है। अब आपको इसे रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करेंगे? पीछे बैक साइड पर मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे दो स्क्रूज लगे हैं, उसको खोल लेंगे, ये बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरा ये सही है, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए खोला है, तो मैं इसे ऐसे ही एज इट इज़ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आप रिप्लेस कर देंगे इस नए वाले पीस से, आपकी ये आई एरर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस उसके बाद इसे रिप्लेस करने के बाद केवल ये दो स्क्रू से दोस्तों पीछे लगा है, ठीक है, आसानी से रिप्लेस हो जाएगा ये। उसके बाद इसको वापस ये पाइप जहाँ के थे वैसे ही आप लगा देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है याद रखने में कि कहाँ क्या कनेक्शन था, तो आप एक मोबाइल से आप एक फ़ोटो खींच लीजिए कोई भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट हो गया। अब ये जो कनेक्शंस थे एज इट इज़, ब्लू वाला इस साइड था, ये साइड था, एज इट इज़ आप लगा देंगे। अब इसके बाद कवर को हम लोग वापस लगा देंगे। कवर लगाने के लिए देख सकते हैं ये दो पॉइंट आपको देख रहे हैं, यही पीछे टॉप कवर में अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे एक खांचा बना रहता है, ठीक है, ये यहीं पर जाएगा दोस्तों, उसके बाद अंदर स्लाइड हो जाएगा। तो हम लोग अब इसे बराबर पर नहीं रखेंगे, थोड़ा पीछे रखेंगे, ठीक है। और पीछे रखने के बाद जब सब सेट हो गया सही से, अब हम इसे पीछे की तरफ से आगे की तरफ, इस तरफ आपकी तरफ इसे एक हल्का सा झटका दे देंगे, ये हल्का सा थपकी देंगे, ये बिल्कुल सेट हो गया। पीछे के दोनों स्क्रूज जैसे निकाले थे दोस्तों वैसे ही ठीक लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। हाइट वाला पाइप जो मैंने हटाया था वाटर इनलेट वॉल्व से, वो ठीक इसी तरीके से पीछे आप लगा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वॉशिंग मशीन के पीछे जो ये है, इसी को ऐसे ही लगा देंगे और मजे का ऐसे टाइट कर देंगे कि पानी की लीकेज ना हो। नल खोल के आप चेक भी कर लेंगे कि पानी कहीं लीक तो नहीं कर रहा। अब चलिए मैं ऐसा आपको दिखाता हूँ कि आई एरर हटा कि नहीं। तो चलिए पहले हम पावर को लगा देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, नल को दोस्तों खोल देते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको दूर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं मशीन चालू हो गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पानी आ भी रहा है किधर, ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पानी आने लग गया और ये मशीन के अंदर अब जाने लग गया। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। मशीन कैसे यूज़ करनी है मैं अलग एक वीडियो में आपको दिखाई चुका हूँ।
और देख सकते हैं दोस्तों ड्रम में भी पानी आना शुरू हो गया है। देखिए ये देखिए, दिखा आपको पानी अंदर। तो देखा दोस्तों बड़ी आसानी से आप LG की अपनी वॉशिंग मशीन का IE एरर जो है उसको खुद ही घर में दोस्तों ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको सारे रीजन बता दिए और उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।